बेटे के लिए फिर छलका पवन सिंह का दर्द। जी हाँ, कौन नहीं चाहता कि उसकी फैमिली उसके साथ रहे, उसके बीवी बच्चे उसके साथ रहे और सारी दुनिया का प्यार एक तरफ, लेकिन अपनी फैमिली एक तरफ होती है। भले ही आपके पास कितनी भी स्टारडम क्यों ना हो, लोग आपको कितना ही एडमायर क्यों ना करते हों, लेकिन अपनी फैमिली ही होती है। और आपको बता दें कि दिन का हारा थका हारा व्यक्ति कहीं भी हो, लेकिन अपने घर आता है तो सुकून उसको वहीं मिलता है। लेकिन ये सुकून शायद पवन सिंह के हिस्से नहीं है। पवन सिंह जब भी बच्चों को देखते हैं अपना प्यार दुलार लुटाते हैं। और ऐसा ही एक फ़ोटो इन दिनों मीडिया में इतनी तेज़ वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद पवन सिंह के फैंस का भी दर्द छलका और पवन सिंह को ये कह रहे हैं कि भाभी को जल्द घर लाइए। जी हाँ, पवन सिंह के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ से उलट उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही शानदार है, जहाँ उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने नाम। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो कभी भी पर्सनल लाइफ पवन के मुताबिक नहीं रही। पवन और उनकी शादियों में न जाने कौन सा तालमेल बिगड़ जाता है कि उनकी और उनकी पत्नी की कभी नहीं जमी। और फिलहाल हालत ये है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह 2 साल से अपने मायके में ही है। पवन सिंह ने लाख मनाने की कोशिश की, ये रिश्ता पटरी पे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे पवन सिंह को बच्चों के साथ खेलते, उनके साथ टाइम पास करते बहुत बार देखा गया है। पवन सिंह उनके भतीजे सत्या को बहुत प्यार करते हैं और ये गाहे बगाहे कई बार वीडियो वायरल हो ही जाता है। जब पवन सिंह के कोई स्टेज शो कर रहे हों या फिल्मों की शूटिंग कर रहे हों या फिर कोई पार्टी कर रहे हों, अगर वहाँ कोई बच्चा आ जाता है तो वो अपना सारा काम धाम रोक 10 से 5 मिनट उसके साथ ज़रूर गुजारते हैं, क्योंकि इससे झलकता है कि पवन सिंह को बच्चों से कितना लगाव है, कितना प्यार है। और इसलिए हर बार पवन सिंह के फैंस उनके दिल के उस कोने को ज़रूर टटोल लेते हैं, जिस कोने को शायद पवन सिंह ने अब पूरी तरह से बंद कर रखा है। हर एक इंसान का सपना होता है कि उसकी हस्ती खेलती फैमिली रहे, लेकिन पवन सिंह के हिस्से अभी ये चीज़ नहीं आई है, जिससे उनके फैंस भी काफ़ी दुखी रहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।